बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फन एंड फन। अब तक के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि यूट्यूब बगैर मोनिटराइजेशन के हमारे जो कुछ वीडियोस होती हैं उस पर एड क्यों चलाता है, क्या हमारा चैनल मोनेटराइज हो गया है? जी ऐसा हो सकता है, उस सूरत में जब आपके सब्सक्राइबर्स 1000 और जो वॉच टाइम है 4000 आवर्स हो, उसके बात अगर आपका चैनल मोनेटराइज नहीं, आपके सब्सक्राइबर्स इतने नहीं हैं तो आप परेशान ना हों। जब हम एक वीडियो अपलोड करते हैं उसमें फनी वीडियोस की क्लिप वगैरह या कोई म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो लगाते हैं वो जो एड्स होते हैं उस वजह से चलते हैं, हमारी जो वीडियो है उस पर नहीं चलते। और आपने घबराना नहीं है, वो जो एड्स चलते हैं उससे हमारे चैनल पे कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल। अगर आप दूसरी सूरत में अगर आपने अपना कंटेंट की वीडियो बनाई है और उस पर एड चलते हैं तो YouTube हमारे उस वीडियो को, हमारे चैनल को वॉच कर रहा है। YouTube चाहता है कि हम जो हैं उसी कंटेंट की वीडियोस बनाएं, तो YouTube हमारी वीडियोस को वायरल करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स को रिकमेंड करेगा और अगर हम वीडियोस YouTube के मुताबिक, उसके दिए हुए कंटेंट के मुताबिक, उसके इशारे के मुताबिक अगर वीडियो बनाते हैं तो बिल्कुल वो वीडियो वायरल होगी, वीडियो के व्यूज़ आएंगे और हमारा चैनल को मदद मिलेगी जल्द मोनेटाइजेशन की तरफ जाने में। YouTube हमारी वीडियोस पे एड क्यों चलाता है? क्या YouTube का इसमें फ़ायदा है? क्या उस एड का हमें फ़ायदा है? क्या जो एड चल रही होती है, क्या वो जो एड लगवाते हैं वीडियोस पे उनको फ़ायदा है? जी बिल्कुल हाँ, ऐसा ही है। YouTube को भी फ़ायदा है और जो एड लगवाते हैं उनको भी फ़ायदा है, और जिनकी वीडियोस पे एड चलते हैं उनको भी फ़ायदा है। जो एड चलवाते हैं वो YouTube को पे करते हैं, उनमें YouTube अपना ऐसा परसेंट रखता है और उनमें से कुछ पैसे वो हमें पे करता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आई होप के पसंद आई होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आई तो वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ।